अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारे 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। माजरा चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया, ज़रा मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था, टीम को थोड़ा गाइड वगैरह कर रहा था। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर हमारे पास नीचे जा रहे हैं हम लोग, परेशान हो रहे हैं कि भाई करें तो करें क्या, हालत टाइट हो रही है। स्पेशली लाइट कॉइन ने सबकी बैंड बजाई हुई है। लाइट कॉइन के अंदर मैंने भी ट्रेड्स खोली हुई हैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, तो उसका भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लाइट कॉइन का करें तो करें क्या। तो लाइट कॉइन के ऊपर एक एनालिसिस मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई बीटीसी, नहीं बीटीसी का करूँ लाइट कॉइन का कर देता हूँ, ठीक है। आवाज़ और वीडियो मेरी सही आ रही है, मुझे ज़रा जल्दी जल्दी बता दें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई आप लोग सब, साथ खैरियत से हैं, सब ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। कर 100 की लिमिट आ रही है, आप कह रहे हो 200 300, लेट मी चेक। ऐसा हो नहीं सकता वैसे, 100 की लिमिट आ रही है, कहाँ आ रही है 100 की लिमिट, 100 की तो है नहीं। मुझे लग रहा है मैंने जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिमिट ही हटाई हुई है। एक मिनट रुको, लिमिट लगा दूंगा, जल्दी से लगा दूं, वरना नुकसान होगा आपका और मेरा कुछ नहीं होगा। मैं फिर बता दूं, नुकसान आपका होगा, मुझे फॉलो नहीं करना। मिनिमम $200, मिनिमम $200 नहीं बल्कि 300 ही सही है यार, 300 ही ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग सेटिंग, सेटिंग में हम आपका करेंगे 300 मिनिमम, ठीक है भाई 300 मैंने कर दिया इसको। यहाँ पे आप करोगे ये देखो, अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते, 300 से नीचे अगर आपके पैसे होंगे अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 300 USDT, देन यू कैन फॉलो विथ 10 USDT पर ट्रेड, ठीक है। अच्छा यार, मैं ज़रा लाइट कॉइन का एनालिसिस कर दूँ, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं भाई क्या करें, लिक्विडेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो भाई बात सुनो, लाइट कॉइन की अगर हम बात करें, मैं ज़रा इसको बड़े टाइम फ्रेम में खोलता हूँ, लेट्स से हम डेली के टाइम फ्रेम में लाइट कॉइन को खोलते हैं, ठीक है। ट्रेड इसकी अगर मैं बात करूँ तो इट्स वैलिड, इट्स वैलिड 80, ये जो मैंने आपको दी हुई है इट्स वैलिड। लाइट कॉइन इज स्टिल 110% वैलिड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास लाइट कॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो लाइट कॉइन ने अच्छा खासा एक अपना बॉटम लगाया, जब BTC ने अपना बॉटम लगाया तो उसके साथ साथ लाइट कॉइन ने भी अपना बॉटम लगाया एक तरीके से, ठीक है। इसने जो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पकड़ी वो थामी $50 के ऊपर, ठीक है, जस्ट अबाउट $50। अब $50 के ऊपर अगर हम देखें, हमारे पास मार्केट के अंदर अभी तक ये नहीं इतना नीचे गया, और मैं मुझे नहीं लगता क्योंकि इसकी हालविंग अभी रिसेंटली हुई है 2 तारीख को, ठीक है, 2 अगस्त को इसकी, मेरे ख्याल से 2 अगस्त को ही थी ना, हाँ 2 अगस्त को ही थी मेरे ख्याल से। तो इसकी 2 अगस्त को हालविंग हुई है, अब इस पे करें तो करें क्या। अब देखो ज़्यादातर लोगों ने इस पे नीचे से बाइंग की, ठीक है, पंप वगैरह आया, एग्जिट कर दिया, ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, भाई आपने अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल ली, प्रॉफिट अभी भी होल्ड किया हुआ, दैट्स प्योरली प्रॉफिट, ठीक है। अब वो $1 का हो, $100 का हो, $1,000 का हो, $10,00,000 का हो, दैट्स प्योर प्रॉफिट, यू डोंट केयर अबाउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट पे आप लूज भी कर दो, उस पे आपको गम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी सीड अमाउंट सेव होनी चाहिए, $100 लगाए थे, $100 हैं, दैट्स गुड, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 2-4% प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं अपने सीड अमाउंट के साथ साथ, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइट कॉइन को देखते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब इसने अपना बॉटम लगाया तकरीबन $50 पे, तो आप देखो वहां से इसने मोर देन 1x का आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल भी नहीं मतलब मिड टर्म के अंदर अंदर इसने आपका पैसा डबल कर दिया, ठीक है। लेट से अगर हम बात करें, कब की बात करें भाई, ये कब की बात है, ये आपकी बात है नवम्बर, ठीक है, नवम्बर में ये आपके पास कहाँ पे बैठा हुआ था, $50 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम $100 की बात करें, इसने हमारा जो $100 का टारगेट है वो फेब में इसने हिट कर दिया था, ठीक है, फेब में या जैन में, मेरे ख्याल से जैन में, एंड ऑफ जनवरी स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी,
तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म के अंदर अंदर इसने अपना 1x का टारगेट पूरा कर दिया, ठीक है। अब मेरा ख्याल से मैंने आप लोगों को इसका बताया था $50 पे बाय करने का, जहां तक तो मुझे याद पड़ता है, हो सकता है किसी ने उठाया नहीं हो, नहीं उठाया। मैंने इतना ज्यादा एम्फेसिस पे नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला जरूर था, मुझे याद है, ठीक है। क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है ओवरऑल, फंडामेंटली स्पीकिंग। लाइट कॉइन, लाइट कॉइन के ऊपर अगर अभी हम बात करें कि भाई अब नेक्स्ट किस तरफ मूवमेंट लेगा, तो हमने देखना है कि भाई प्रीवियसली इसने ये किया क्या है जो अभी तक किया है। तो फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए 1x का टारगेट दिया। 1x का टारगेट देने के बाद इसने, अब ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज अभी जो देखने वाली है वो है डेली का टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम लाइट कॉइन के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस इसने क्रिएट की हुई है, ये देखो तकरीबन आप $120 तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। $110 से लेके $120 तक की आपकी रेजिस्टेंस जोन है, सेलिंग प्रेशर है, और इसको ये फ्लिप करने में नाकाम रहा। अब ये नाकाम क्यों रहा? नाकाम इसलिए रहा क्योंकि BTC स्टेबल नहीं हुआ। BTC के अंदर डोमिनेंस BTC की स्पाइक करती गई, जिसकी वजह से आपके अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फंडामेंटल्स की वजह से इतने ज्यादा पंप नहीं हुए जितने ज्यादा होने चाहिए थे। लाइट कॉइन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लाइट कॉइन को इजिली अपनी $120 की जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको फ्लिप कर देना चाहिए था इसकी फंडामेंटल न्यूज की वजह से, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाया बेचारा। अब करें तो करें क्या? देखो अब ये मैंने आपको बताया, ये हमारा एक मेजर सेल जोन बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये मेजर अगर सेल जोन है, तो हमारे पास मेजर बाय जोन कहाँ पे बैठा हुआ है? अब डेली का टाइम फ्रेम मेरे पास ये खुला हुआ है, और यहाँ पे मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस जो कहता है वो ये कहता है कि लगभग हमारे पास अगर हम बाय जोन की, या लेट से अगर हम इसके सपोर्ट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ये 80 बल्कि नहीं, आप इसको कंसिडर करो तकरीबन 75 $74 से लेके तकरीबन $80 तक की इसकी सपोर्ट है, ठीक है, जो कि अभी की नहीं है, जो कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक रेजिस्टेंस भी रही है, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक रेजिस्टेंस भी रही है। और ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब इसकी प्राइस बैठी होती थी कहाँ, $15 $20, ठीक है। ये पुराना चार्ट नजर नहीं आ रहा OKX पे, लेकिन बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भाई ये मैंने खुद खरीदा हुआ था, ठीक है, ये मैंने खुद खरीदा था। मैंने मतलब 2021 मतलब 2020 के बुल रन से पहले इसमें मैंने खुद पिछले मतलब पिछले बुल रन के अंदर इसके अंदर मैंने खुद पैसे बहुत बनाए थे। मुझे पता है क्योंकि बिटकॉइन के साथ साथ जो मैंने दूसरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी वो था लाइट कॉइन। लाइट कॉइन था मेरा फर्स्ट आर्ट कॉइन जो मैंने एवर एवर बॉट। लाइट कॉइन वॉज माई फर्स्ट आर्ट कॉइन इन्वेस्टमेंट। और लाइट कॉइन के अंदर ही एक प्लेटफॉर्म होता था, मुझे प्लेटफॉर्म का नाम तो खैर अभी याद नहीं है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे नुकसान हुआ था। ये मैं 2018 की आपको बात बता रहा हूँ, जब आपकी ऑल्ट रैली शुरू हुई थी 2017 के दिसंबर के बाद। BTC ने तो पहले अपना जंपे लगाना शुरू कर मतलब बंद कर दी थी 2020 के, सॉरी 2018 दिसंबर, 2018 क्यों बोल रहा हूँ, 2017 दिसंबर, $20,000 पे जब BTC गया लगभग, तो उसके बाद आपकी आर्ट रैली शुरू हुई थी जिसके अंदर बहुत आर्ट पंप हुए थे आपके, ठीक है। लाइट कॉइन पंप्ड अ लॉट इन दैट फेज। यार मैं इसको यहाँ खोल लेता हूँ, यहाँ पे पुराना चार्ट नहीं आ रहा ना इसका, यहाँ पे खोल लेता हूँ इसको मैं। मैंने बाय किया था कॉइन बेस के ऊपर 2017 में, मैंने इसको मेरे ख्याल से बाय किया था। खैर अब तो यार बहुत ही पुरानी बात हो गई। देखो ये हम बात करें तकरीबन 2000, ये देखो ये अच्छा खासा इसने जो आपका बेसिकली बुल रन मतलब BTC के फौरन बाद जो पंपिंग हुई थी वो आपके इन जैसे प्रोजेक्ट्स की आपकी पंपिंग हुई थी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि $80 का जो रीजन है ना वो इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, और वो डेली के नहीं बहुत बल्कि डेली के समझो डेली या वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर भी ये बड़ा अच्छा लेवल है, ठीक है।
और मुझे नहीं लगता ये लेवल इतनी आसानी से ब्रेक डाउन करेगा अनटिल और अनलेस बीटीसी क्रैशिंग कर दे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। इसके अलावा आई पर्सनली थिंक कि भाई अगर आप इसको देखते हो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन वो जो आप बोल रहे हो ना डिप, नहीं, अब वो डिप आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो मार्केट कैप जैसे बीटीसी को मुश्किल ही है 15,000 पे 16,000 पे दोबारा मिले। हाँ, बाइनेंस के अगर मसले हो जाएं, जिस तरीके से मैं आपको आगाही दे चुका हूँ, कल लाइव सेशन में भी दिए है, प्रीमियम मेंबर्स को तो पोस्ट लिख के दे दिए, समझा दिया है, ठीक है, और उसमें मैं अपनी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि भाई ये ओके एक्स पे साइन अप कर लो, एमएक्सी पे नहीं, वो आपके ऊपर है, करना है करो, वो तो मैं वैसे ही बोलता रहता हूँ क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो मैं यूज करता हूँ, जहाँ मेरा अपना फंड पड़ा है वहीं का मैं आपको बोलता हूँ, सीधी सीधी बात है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि मार्केट के अंदर आपके पास जितने भी अभी सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आपने एक्यूमुलेशन करनी है पार्ट्स के अंदर। तो आई पर्सनली फील लाइक कि $80 पे अगर आपको लाइट कॉइन मिलता है, इट्स अ बार्गेन डील। मतलब बार्गेन को क्या बोलते हैं उर्दू में यार, करते हैं ना वो जो हम जब खरीदारी करते हैं किसी चीज की, तो मुझे लगता है कि मरे से मरा हमारा जो टारगेट है लाइट कॉइन का, वो 5x का टारगेट होना चाहिए करंट प्राइस से भी। ठीक है, $500 मिनिमम, मिनिमम क्या, चलो मैक्सिमम एक एवरेज रख लो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगले बुल रन के अंदर हमारे पास लाइट कॉइन $500 तक जाएगा। ठीक है, अब एज फॉर दोज हु हैव डन फ्यूचर्स ऑन 100x लेवरेज इसके ऊपर, ठीक है, तो भाई थोड़ा आपको एहतियात करनी चाहिए थी। जहां तक बात है कॉपी ट्रेडिंग की, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, अगर आपने मुझे तरीके से फॉलो किया है तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर बात बता रहा हूँ, और बार बार ये बात को मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग एट ऑल, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीज़ें बार बार समझाई हुई है, एक नहीं बार बार। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्केट के अंदर हमारे पास अब देखो जैसे रिट्रेसमेंट आ रही है, अब ये रिट्रेसमेंट आ रही है, ये मैंने आप लोगों को, मेरे अपने प्रीमियम मेंबर्स को सिग्नल दिया था कल। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये हमारे जो सिग्नल दिया था मैंने उनको पता है क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से उनको दिया था, किसको दिया था, नहीं इनर सर्कल को दिया था, हाँ OKX पे दिया था सिग्नल मैंने। तो दोस्तों अगर आपने OKX के ऊपर आपने साइन अप नहीं किया हुआ मेरे रेफरल से, फ्री के सिग्नल्स आप लोग मिस कर रहे हो, OKX पे आ जाओ, OKX पे ट्रेडिंग करो। बाइनेंस पे आपको घंटा कुछ नहीं मिलता भाई, बाइनेंस पे आपको घंटा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप आओ, सिग्नल मिलेंगे आपको यहाँ पे, आप चुपचाप $100 $200 यहाँ पे आप आओ, ट्रेडिंग करना शुरू करो, जो भी आल्ट कॉइन्स पड़े हैं यहाँ ला के डालो, ट्रेडिंग करना शुरू करो, बाइंग सेलिंग करो। ठीक है, भावताल, अभी ये हिंदी का वर्ड नहीं है बावतार। खैर, तो मैं बोल रहा था कि मास्क एंटी आर एस्क दे आर स्टिल वैलिड अंटिल और अनलेस दे हिट स्टॉप लॉस। रहने दो, अभी सारी चीजों को अपनी जगह पे रहने दो। मार्केट रिट्रेसमेंट के मूड में है, मार्केट के अगेंस्ट ना जाना अंटिल और अनलेस। बड़ा मम लिया है हिस्टोरिकली डेटा, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि कंगे परसेंटेज, ये मैंने आपको समझो बुल रन तक का हिसाब किताब दिया है, लेकिन लेकिन अगर आप इसको करंट पे भी बाइंग करते हो, मतलब $80 एज अ राउंड फिगर ले रहा हूँ ना, ये नीचे अगर 75 तक आता है हमारी एक लिक्विडेशन हिट होगी, कहाँ हिट होगी, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का खाली, समझ आ गई बात। तो दोस्तों ये आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास अगर हम बात करें बीटीसी की, अब मैं जरा बीटीसी की अपडेट दे दूं आपको, बीटीसी के अंदर अगर अभी आपने जो मेजर चीज देखनी है वो मैं आपको ये बता रहा था कि मंथली कैंडल का हमारा ये एक मरतबा क्रॉस ओवर हो जाना चाहिए यहाँ का, और क्रॉस ओवर मुझे लगता है हो जाएगा, और अगर तो ये हो गया तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी बुल रन की आमद हो गई है, और ये आखिरी मौका है भाई, ये आखिरी मौका है, खुलेआम बोल रहा हूँ, ये चैलेंज है, बड़े बड़े ट्रेडर को चैलेंज है, ये खुलेआम बोल रहा हूँ। ठीक है, सब ऐसी लल्लू पंजू को साइड में फेंको, मैं फिर बता रहा हूँ, ये लाइव सेशन शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। देखो ये भी एक हिम्मत की बात होती है कि ये क्या इसके, देखो हवा में तो कोई भी बोल सकता है,
मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैं इस तरह की बातें हवा में मैंने आज तक नहीं की भाई, ठीक है। हाँ एनालिसिस फेल हो सकता है, ठीक है, बाइनेंस भाग जाए, बाइनेंस मेरा चचा का थोड़ी है, मेरा ठेके मेरी मैंने थोड़ी ठेका लिया है बाइनेंस का भाई, सीजी मेरा कोई क्या लगता है, सीजी मेरा कोई जानने पहचानने वाला थोड़ी है। सीजी अगर डिसाइड करता है सैम वाली हरकतें एफटीएक्स के जो थे सीईओ साहब, तो फिर क्या होगा वहां पे, आप सबकी बैंड बजेगी, स्पेशली जो अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, उनका तो ऐसा कोई गंदा रगड़ा लगेगा कि वो तौबा करके, उनको ये नजर नहीं आएगा कि ये एक बंदा बोल रहा है आपको निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। असल में मसला ये है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, तो हाँ जब तक आपका सही का एक मरतबा टीका लगेगा नहीं, तब तक आप लोगों को समझ आएगी नहीं ये बात, ठीक है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे, एक एक बंदे से, कि एहतियात करो, मार्केट से पैसा बनाओ, ये नहीं कि मार्केट को अपना पैसा देते जाओ, ठीक है। तो BTC USDT आई एम फुली बुलिश एज फॉर BTC। जहां तक हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप थोड़ा इसको देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का देख सकते हो। मेरी टीम का बंदा मुझे एक दिखा रहा था, एक मिनट रखो, अगर चार्ट मुझे मिल जाए, अच्छा कौन सा मूविंग एवरेज नजर आया था मुझे उस वक्त, तो 28,500 एक बड़ी खूबसूरत जोन बैठी है हमारे पास, जो कि रिट्रेसमेंट लाजमी तौर पर मांग रही है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि भाई आपकी बिल्कुल 28,500 पे लगे, जब आपके इतने हसीन एक्सचेंजेस बैठे हैं वो तो गिराएंगे, झटके से गिराएंगे, झटके से ऊपर लेके जाएंगे, उन्होंने भी तो पैसा कमाना है भाई, ठीक है। तो आपके जो एक्सचेंजेस बैठे हुए हैं वो विक फिशिंग लाजमी करेंगे, देखो बच के रहो, स्पेशली फ्रॉडिया एक्सचेंजेस बाइनेंस से, बायबिट पे बहुत लिक्विडेशन होती हैं, बहुत हर वक्त लिक्विडेशन होती रहती हैं बायबिट पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, हाई लेवरेज ट्रेडिंग से फिल वक्त परहेज करो, ठीक है, क्योंकि पैसा मार्केट के अंदर अभी बचा के रखना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत पैसा बनाने के। समटाइम्स नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग, ठीक है, आप अपने नुकसान को बचाने से बेहतर है बनिस्बत पैसे बनाने पे फोकस करने से अभी अभी के मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एज फॉर द रिट्रेसमेंट वी वेलकम एनी रिट्रेसमेंट, मेरा खुद का बाय ऑर्डर लगा हुआ 28,400 का, मैंने आप लोगों को खुद बताया हुआ, ठीक है। तो MEXC इज द बेस्ट प्लेस टू बाय भाई, अगर आप बाइंग वाइंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है MEXC से बेहतर कोई और जगह नहीं है बाइंग के लिए अभी, क्योंकि देखो 0% पे आपकी फीस लगी है सारी चीजें, तो इट इज लिटरली द बेस्ट बेस्टेस्ट मेरे ख्याल से है, ठीक है। अच्छा जी चलो अब आ जाओ सिग्नल्स की तरफ, ये मार्केट अपडेट ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कर दी हैं। अच्छा भाई सॉल का ट्रेड अभी भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, चुपचाप उठाते जाओ चुपचाप उठाते जाओ, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत रखो, लिक्विडेशन जीरो रखो, और अगर नहीं रख सकते तो बरह मेहरबानी फ्यूचर से परहेज करो, अगर ट्रेडिंग ट्रेड्स को मैनेज नहीं करना आता यार मुझे बताओ, मैं आपके अकाउंट में तो आके ट्रेड कर नहीं सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी लर्निंग करने के बाद फिर आपने करना है बाइंग और सेलिंग, ठीक है। सिग्नल कहाँ चाहिए प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो ताकि आप लोगों को सिग्नल मिल जाए, यू टेल मी वेयर यू वांट द सिग्नल टू बी गिवन। सर भाई आपको क्या लगता है रूम यूएसडी बुल रन में कितना जा सकता है, $5 $10 डिपेंड करता है यार, फेयर डेस्क, चलो भाई फेयर डेस्क लेट्स हैव अ लुक एट फेयर डेस्क, के फेयर डेस्क में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। BTC सिग्नल दिया था मैंने प्रीमियम मेंबर्स को और उन्हीं को मिला हुआ है, एक मिनट ये मैं देख रहा हूँ ये वैलिड है या निकल गया, क्योंकि मार्केट जो है ना मूव कर रही है, जितनी देर से मैं लाइव बैठा हूँ मार्केट मूव पे मूव कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट पे बैठी है, मसला सारा ये, मैं अगर शॉर्ट का सिग्नल आपको देऊं भी ना तो फिर उसके अंदर मसला यही होगा, 7 2 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
हम ट्रेडिंग करेंगे।
जीएमटी पंपिंग एवरेज पेट है। टारगेट वर्गेट हिट किया है ऐसा नहीं किया, कंसोलिडेशन में लगा हुआ लग रहा है। तो ट्वेंटी एटी फाइव ऊपर आया तो था बेचारा आज, लेकिन अब मार्केट ही ऐसी बैठी है। आपका बेचारा जीएमटी क्या करेगा जब बीटीसी हाथ में डंडा पकड़ के खड़ा हुआ है, सबको सबकी सब पे चित्रवाल कर रहा है, तो ये बेचारे छोटे मोटे कॉइन्स क्या करेंगे यार। जेड आर एक्स आ जाओ, इसको करेंगे हम शॉर्ट। 2170 पे कर लो, चलो ऑर्डर यहीं पे लगा हुआ, यहीं से कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट को कॉपी करना है यार ये, मैंने ये ट्रेड का वो कौन गया। अरे यार यहाँ होता है ना, कौन गया। अरे भाई ट्रेड का इतनी देर में तो लिख ही लेता मैं। खैर बहरहाल चलो, अच्छा जी जेड आर एक्स को हम करेंगे शॉर्ट। अच्छा ये न्यूबीज के लिए नहीं है भाई, आज का सिग्नल, आज का सिग्नल न्यूबीज के लिए नहीं है, स्पॉट ट्रेड नहीं है। फ्यूचर्स आई रिस्क ट्रेड नॉट फॉर न्यूबीज, न्यूबीज के लिए नहीं है, आज नहीं है न्यूबीज की कोई ट्रेड, फिर बता दूं आपको। जेड आर एक्स, जेड आर एक्स बैठा हुआ है भाई साहब 2170 पे कर लो, चलो 0.2170, 2170 से आपकी शॉर्ट स्टार्ट होगी। फिर बोल रहा हूँ स्टार्ट होगी, तो नहीं आती है ट्रेडिंग तो ना करना, खुदा का वास्ता है, उल्टी सीधी हरकतें ना करना बस, बाकी सब खैर है। ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी की तैसी, उल्टी सीधी हरकतें ना करना, ठीक है। 22 ठीक हो गया, तो तकरीबन यहाँ तक बेसिकली ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 4 आवर की, यहाँ तक हम इसको शॉर्ट खींचेंगे, यहाँ तक अगर पिकलक वगैरह लगती है तो अच्छी हमारी एवरेज हो जाएगी। ठीक हो गया, स्टॉप लॉस बिल्कुल होगा इसका आज का। मैं सोच रहा हूँ आपको अपने हिसाब से मैनेज करने दूँ, लेकिन मैं दे देता हूँ आपको 2.35 का दे देता हूँ, मतलब 23.5 सेंट का तक का दे देता हूँ, क्योंकि देखो 4 आवर के ऊपर इसने अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश की ना जेड आर एक्स ने, तो यहाँ पे ये तकरीबन मतलब 23 तक तो जाएगा जाएगा, लेकिन 4 आवर की क्लोजिंग हमें चाहिए होगी, और वो क्लोजिंग के अंदर आपको पता है वो विक फिशिंग भी होती है, जिस तरीके से अभी बीटीसी के अंदर पंप आया था और कोई बोल रहा है चलो भाई ऊपर ये वो फलाना ढिमकाना, ना 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 ना, वो था शॉर्ट के सिग्नल का एक्टिवेशन आपका, ना कि आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो, समझ आ रही है। अच्छा 0.2 पे हम करते हैं, 0.21 55 0.21 ये अग्रेसिव टारगेट्स हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अगर आप थोड़ा लंबा खींचना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको उठाओ 0.2069, अब सोचो बीच में से टारगेट ही हटा दूँ, क्या कहते हो। चलो ठीक है 0.20, 0.19 कितना था, 1919, 55 एंड 0.19, ठीक है भाई। तो ये है इसका हिसाब किताब। अग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए दो टारगेट्स, फर्स्ट टू आप इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन ऑब्वियसली खुद भी मैनेज करना आता हो, ये नहीं कि अंधाधुन अंधाधुन ट्रेडिंग नहीं करना भाई, लेवरेज खुद डिसाइड करो, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, बाद में स्क्रीनशॉट आ रहे होते हैं असल भाई आपने ट्रेड दी थी,
लिखा हुआ है न्यूबीज के लिए नहीं है, वो बार बार बोल दिया न्यूबीज के लिए नहीं है। फिर अगर ली ना, और अगर मेरे टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड की जनरल चैट में उल्टा सीधा मैसेज आया, फौरन रिमूव कर दिया जाएगा आपको। भले आप ईयरली मेंबर हो, भले आप मंथली मेंबर हो, भले आप फ्री क्यों, इट डजेंट मैटर। उल्टी सीधी हरकतें ना करना, नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट जीरो है, सीखो पहले। फेयर डेस्क के ऊपर सिमुलेशन मतलब डेमो ट्रेडिंग कर लो पहले, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, कॉपी पेपर लो ठीक है, उस पे पेपर ट्रेडिंग कर लो, उस पे नोट्स बनाओ, समझ आ गई बात। ये सारी चीजें करना सीखो पहले, फिर आपने रियल फंड्स को और हाई रिस्क ट्रेड दिए तो इसमें आपका ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से आपने इसको मैनेज और इसको फिर खेलना भी उसी हिसाब से, उसी तरीके से, ठीक है भाई। तो ये है हिसाब किताब प्यारे प्यारे दोस्तों। भाई आज तो लाइक तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आज मजा नहीं आ रहा भाई, मैं आपकी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा। वेलकम सर, वेलकम भाई। मेरा ओके, इसका पुराना अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव है और फंड्स भी हैं उसमें, प्लीज इनर सर्कल के लिए मेरा अकाउंट अपने ग्रुप में। मैं नहीं कर सकता मेरे भाई, मेरे अंडर आएगा ही नहीं वो अकाउंट, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपने अपने फंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, समझ आ रही है बात, उसके बाद आपने कुछ करना है ठीक है। तो भाई देखो, मैंने फिर ओके इसी टीम से बहुत बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई हमारा जो है ना, हम रेगुलेट होना चाहते हैं दुनिया भर के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर, हर जगह पे, तो इसलिए हम हल्का फुल्का भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वी आर टू बी रेगुलेटेड ऑन अ हाई लेवल, ठीक है। यूके के अंदर भी ये लाइसेंसिंग का कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब हो जाएगा ठीक है। LTC इज डंपिंग, हाँ तो उठाओ ना, बोल रहा हूँ चुपचाप उठाते जाओ, चुपचाप उठाते जाओ, चुपचाप उठाते जाओ, उठाओ उसकी ऐसी की तैसी। फिर ये 100 150 में होगा, असद भाई खरीद लें, असद भाई खरीद लें, ये मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैसेज आ रहे हैं, ये डंप कर रहा है, यार इसको क्या करें, यार इसको क्या करें। प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो, लेवरेज को डिसाइड करो। ये अगर आपको नहीं पता नुशाब भाई, नहीं नहीं लोड नहीं करोगे ट्रेड। ओके एक्स आउटडेटेड है, पुराना अकाउंट के रेफरल भी नहीं चेंज कर सकते, मजाक कर सही बात है, बिटकॉइन गोइंग डाउन। भाई मुझे पता है, मुझे पता है डेविल भाई, आपको पता होना चाहिए, आप प्रीमियम में हो ना, आपको जो मार्केट अपडेट दी थी क्या दी थी आपको, जो अभी सिग्नल दिया, बल्कि नहीं सिग्नल मैंने इनर सर्कल में दिया हुआ है, बार बार मुझे वो याद आ रहा है, इनर सर्कल का सिग्नल, मैंने शॉर्ट की ट्रेड दी थी इनर सर्कल के अंदर और लोगों का पहला टारगेट मेरे ख्याल से हिट हो रहा होगा। गिर गिर, जल्दी गिर जा भाई, जल्दी गिर जा, इनका पहला टारगेट तो हिट करवा दे। लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, गिर जा भाई, गिर जा, गिर जा रे, गिर जा, गिर जा रे, गिर जा, गिर जा रे, गिर जा, 10 सेंट और। अरे भैया जल्दी गिर जा, गिर जाओ, गिर जाओ भाई साहब, जल्दी जल्दी गिर जाओ, ताकि जल्दी जल्दी प्रॉफिट बन जाए सबका। ZRX नीचे चले जाओ। अच्छा तो भाई आपको क्या लगता है आल रैली कब शुरू होगी? यार मेरे ख्याल से तो आल रैली के अंदर हम बैठे हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज क्या हो रहा है, आज आप लोग बिल्कुल मूड में नहीं हो लाइक करने के वीडियो, मतलब 300 पीपल हैव वॉच्ड, वेल व्यूज तो इतने हो गए, मतलब एटलीस्ट अगर इसको हम आधा भी कर लें, लेट से कि हर बंदे ने 2 मरतबा देख लिया, जो जो कि नहीं है, एटलीस्ट 500 पीपल हैव वॉच्ड एज फार एज आई कैन टेल ना, तो पीक 304 लोग देख रहे थे, लेकिन वीडियो लाइक नहीं हो रही है भाई, वीडियो लाइक करो जल्दी से, 222, एक और सिग्नल मिल जाएगा। ए सर एक ट्रेड ओके एक्स पे भी दे दें, एक 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 एक, गिर जा भाई गिर जा, लाइव ट्रेडिंग ओके एक्स पे चाहिए। अच्छा जी ओके एक्स पे रुको जी, कितना गिर रहा है बेचारा,
ओहो, गिर जा अरे गिर 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 गिर, लाइव ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग, गिर जा, पहला टारगेट हिट। अबे भैया कितना गिरा है, 6-1 तक गिरा है। अबे यार 5 तक तो जाएगा, 21-50 तक तो जाएगा, लेकिन उन्होंने 5-5 पहले सेफ टारगेट, स्कैल्पिंग, अग्रेसिव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, इसलिए मैंने आपको वो दिया। और भाई आज तो मैंने बोला है लाइव ट्रेडिंग होनी है, लोग आ क्यों नहीं रहे, क्या हो गया लोगों को यार, क्या हैरानी की बात है। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने बोला है आज फिर लाइव ट्रेडिंग होगी, आप लोग आते ही नहीं यार, लाइव ट्रेडिंग पे क्यों नहीं आते आप लोग। मैंने तो आज बोला भी है लाइव ट्रेडिंग होनी है भाई, आओ वीडियो देखो। हमारे पास जो हमारा सिग्नल है प्रॉफिट में जा रहा है, लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, आप लोग आ नहीं रहे। अरे यार एक तो जो है ना, लोग सुनते नहीं है टाइम पे, फिर बोलेंगे ऐसा भाई अब बताओ अब क्या करें। लास्ट सिग्नल इन जावेद भाई। जावेद भाई अगर आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो आप ऐड हो जाओगे, आपका वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है वॉल्यूम आता ही नहीं है। जब अगर आपका 100-200 का वॉल्यूम है उससे कुछ नहीं होगा। लेट से आपने लाइट कॉइन को एक मरतबा सेल करके बाय कर लिया, इससे थोड़ी कुछ होता है। सबाई धमाकेदार जैम कॉइन थे। अच्छा फेड है तो ये क्या, ये कहाँ का सिग्नल है मेरे भाई, ये कहाँ का सिग्नल था। फिर सबर करो ये जाएगा नीचे जाएगा। बीटीसी क्या कर रहा है, ओहो बीटीसी ट्राइंग टू होल्ड। टूटेगी तो सपोर्ट, इसके ब्रेकडाउन तो हो गया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसने ब्रेकडाउन कर दिया है, और ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। गिर 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 जा गिर जा गिर जा, और गिरता, आ जा बेटा नीचे, आ जा आ जा, शाबाश शाबाश, नीचे तुम भी नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शाबाश, यस आ जाओ लाइक अ गुड बॉय, आ जाओ नीचे आ जाओ। अच्छा जी क्या बोल रहे हैं अब आप लोग, सवाल जवाब लेते हैं जब तक। असद भाई धमाकेदार, अरे अरे लिक्विडेशन पे लिक्विडेशन हो रही है बाबू, मार्केट की तो बैंड बज रही है, पहला टारगेट हिट होना, अबे तुम्हारी ऐसी की हिट हो जा। अबे यार 56 तक आया, अरे भैया बीटीसी भाई साहब गिर जाओ 100-200 डॉलर, जल्दी गिर जाओ, जल्दी से गिर जाओ, ताकि हमारे यहाँ एक आध टारगेट से ज्यादा हिट हो जाए, ताकि लोग बोले हाँ भाई ऐसा भाई मजा आ गया लाइव ट्रेडिंग के अंदर। यार आज मैंने बोला है लाइव ट्रेडिंग होनी है, लोग गायब क्यों है, मुझे तो हैरानी ही हो रही है। अबे लाइव ट्रेडिंग में नहीं आए लोग आज, मैंने पहले से बोला है लाइव ट्रेडिंग, यार क्या मैं हैरान हो गया हूँ, क्या बात है भाई, आज तो बेचारे लोग आ ही नहीं रहे। लो भाई पहला टारगेट यहाँ पे हिट कर दिया भाई आपका जेड आर एक्स ने। अब जिस जिसने भी प्रॉफिट बनाया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय करो दोस्तों लाइव ट्रेडिंग, ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी की तैसी, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमने बनाना है प्रॉफिट। भाई लग रहा है आज सब सो गए हैं, सबके सब सो गए, लिखा हुआ भी है लाइव ट्रेडिंग फिर भी गायब। यार लाइव ट्रेडिंग मिस करते हो आप लोग, आगाही दे दी है लाइव ट्रेडिंग होनी है, लाइक का कुछ नहीं बोला आज तो मैंने, लाइक आप लोगों ने 200 लाइक भी नहीं किया है आज, फिर भी लाइव ट्रेडिंग करवाई है मैंने आप लोगों को, पता नहीं यार आप लोग अब और किस तरीके से समझाऊं। चलो भाई मेरा तो काम हो गया, आप लोगों ने लाइक करना ही नहीं है, एक और सिग्नल लाइव ट्रेडिंग करनी है, जल्दी से 300 लाइक कर दो, जल्दी से 300 लाइक कर दो, जल्दी से जल्दी से 300 लाइक कर दो। $10 प्रॉफिट बना लिया है असद ने, कितना प्रॉफिट बनाया दानिश भाई आपने बताओ तो जरा, प्रॉफिट कितना बनाया, जेड आर के नहीं जेड आर एक्स। जमाल भाई अभी हम जेड आर एक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, फेयर डेस्क के ऊपर भाई, फेयर डेस्क के ऊपर लाइव ट्रेडिंग हो रही है, करनी है आ जाओ, नहीं करनी मुझे बता दो, मैं जा रहा हूं फिर, दैट्स इट ठीक है। नहीं करनी लाइव ट्रेडिंग, नो लाइव ट्रेडिंग, यू डोंट वांट लाइव ट्रेडिंग, 11%, आला भाई आला, आला भाई आला, आला भाई आला,
300 लाइक हो जाए। अच्छा 250 तो कर दो, जितने लोग देख रहे हैं वो क्या सो रहे हैं? 50 लोग आ जाओ ना यार, आ जाओ, मैं तो बैठा हूं पैसे बनवाने के लिए आपको। हाँ आज नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। 300 लाइक कर दो, जल्दी से आ जाओ, लाइव स्ट्रीमिंग करवा दूंगा। आज सारे जानवर छुप के बैठ जाएंगे अपने बिल में। लाइव ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग। यार मैं तो हैरान परेशान, आज मैंने तो ढाला है लाइव ट्रेडिंग होगी, आया कोई आया ही नहीं, हैरानी की बात है। क्या करें यार, अब $5 बना लिए, $10 बना लिए, बेहतरीन 11%। भाई किसी और ने पैसे बनाए? कुछ बनाया नहीं बनाया। ये 8.75% प्रॉफिट, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आला आला भाई आला। यार मजा नहीं आ रहा, आप लोग ना आज बिल्कुल गायब हैं, आधे से ज्यादा लोग गायब हैं। हाय अल्लाह जी भाई, मजा नहीं आ रहा, नींद आ रही है बस। औरंगजेब भाई ने $40 बना लिए लाइव सेशन में, आला भाई औरंगजेब भाई आला। रिलैक्सिंग स्टार्स $100, आला भाई आला। 6.6% प्रॉफिट, आला। यहाँ 10% प्रॉफिट, आला बेहतरीन। 9% डॉलर, 9% प्रॉफिट, बेहतरीन 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 बेहतरीन। मजा आ गया भाई लाइव ट्रेडिंग का, आज तो बेहतरीन काम हो गया। 0.616 डॉलर, बिल्कुल जाहिर है। हाँ भाई प्रॉफिट इज प्रॉफिट, डजेंट रियली मैटर, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अब्दुल्ला भाई की तरह $50 बना रहे हो, $1 बना रहे हो, 1 सेंट बना रहे हो, डजेंट रियली मैटर। द थिंग इज यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू गेट ओवर योर फेयर्स, यू हैव टू एंटर द मार्केट व्हेन इट्स रिस्की, व्हेन एवरीवन इज सेइंग डोंट ट्रेड, मार्केट इज क्रैशिंग, ये वो। मार्केट की ऐसी की तैसी उठाओ, मार्केट को उल्टा फेंक के मारो, एक कान के नीचे दो, प्रॉफिट बनाओ और निकल जाओ, खलास। हमारा काम कुछ है ही नहीं, बस हमारा काम है प्रॉफिट बनाना, दैट्स इट। ये जब हो जा मार्केट की ऐसी की तैसी। जीआरटी गिरे जा रहा है प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, 250 लाइक कर दो भाई। 300 से मैं 250 पे आ गया हूँ यार, क्या करें यार। $7 प्रॉफिट, आला। हाँ लग रहा है आज जो है ना, लोग बिल्कुल वीकेंड एंजॉय करने पे लगे हुए। चलो कोई मसले की बात नहीं है भाई, आप लोगों ने कटनी नहीं है, मैं क्या करूँगा। 3 ट्रेडे मेरे पास बैठी है, मैंने बोला था आज तो मैं धड़ाधड़ पैसे बनवाऊंगा, लोगों के लोग आ ही नहीं रहे, मैं तो हैरान परेशान। अभी तो व्यूअर्स ही 300 से ऊपर नहीं जा रहे। चलो भाई यार, एक नॉर्मल ट्रेड दे देता हूँ फिर आप लोगों को, ये कर देता हूँ नॉर्मल ट्रेड दूंगा। लाइव ट्रेडिंग में रेटिंग नहीं होगी, लाइव ट्रेडिंग होती 300 लाइक्स के ऊपर, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग होती है थोड़े जब मजा आता है तब, समझ आ रही है बात। चलो भाई आ जाओ, जल्दी एक्सचेंज बता दो, जल्दी जल्दी एक्सचेंज बता दो, टाइम निश्ता मड़ा, जल्दी 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 ट्रेड एक्सचेंज बताओ कहाँ पे करना है, एक्सचेंज बता दो, एक्सचेंज बता दो, एक्सचेंज बता दो। ओके एक्स पे करना है, अभी ओके एक्स पे बोल रहे थे ना आप लोग, ओके एक्स पे आ जाओ, 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 ओके एक्स पे हम ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों, स्पॉट के अंदर बाइंग करेंगे, हम बाइंग करेंगे, अल्लाह भला करे आपकी। 29.25, आला आला भाई आला। आ जाओ भाई ओके एक्स पे आ जाओ, अगर फ्यूचर्स में करना है, अगर ओके एक्स के ऊपर फ्यूचर्स में करना है कर सकते हो, मना नहीं कर रहा, लेकिन 5x के ऊपर ना जाना, मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है ही नहीं फ्यूचर्स में। है भैया, है भैया, है भैया, भैया आ जाओ भैया, आ जाओ। आज हम करेंगे ZEC की, ZEC काफी अच्छा है, पुराना है, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, प्यारा बच्चा हमारा है, बैठा हुआ है 29 26 पे बैठा हुआ है। चलो यहाँ उठा लो, 29 27 तक उठा लो, 29 29 तक, चलो 29 29 तक मैक्सिमम इसके ऊपर ना उठाना, ठीक है, स्पॉट ट्रेड है, बट ऑल्सो कैन बी टेकन ऑन OKX फ्यूचर्स मैक्स 5x लेवरेज, इसके ऊपर ना जाना, क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, इसके ऊपर ना जाना, ठीक है, और थोड़ा सा मैनेज करना, लोअर रिस्क ट्रेड है अगर तो स्पॉट में उठाते हो ZEC,
ठीक है, क्योंकि अभी देखो 4 आवर के कन्नों पे बैठा हुआ है, बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है, ये बोल रहा है भाई बस अब तो या मैं नीचे गिरूंगा या ऊपर जाऊंगा धमाके से। सही है। ओहो, तो ये बोल रहा है ये, और यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री तो मतलब ले सकते हैं अभी 29.27 कर लो। चलो ठीक है, यहाँ से हमारी बाइंग बनती है तकरीबन, अल्लाह भला करे आपका, 28 पॉइंट, कहाँ करूँ, 28.28, $1 की गुंजाइश रख सकते हैं ना, तो $1 की बाय जोन आप रख लो इसमें। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं आपको देना तो नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो 27.77 का रख सकते हो। वैसे तो $28 के नीचे ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मैं 27.7 तक का देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये विक्स खतरनाक है यार, असल में मसला ये वाली जो विक्स है ना, ये थोड़ी सी खतरनाक है। बट आई एम नॉट यूजिंग इट, सीधी सीधी बात, मैं इसको स्पॉट में अक्यूमुलेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो भाई ये है आपका यहाँ पे, इसके बाद हमारा टारगेट है अल्लाह भला करे 30.30, मतलब पहले टेक प्रॉफिट में आपका अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल जाएगा, 30.30, फिर 31, फिर 32.23, फिर 33.33, फिर 3.456, फिर 3.69, बल्कि मैं ज्यादा नहीं दे रहा आपको, एंड 3.69 ये आखिरी टेक प्रॉफिट है। ये मतलब शुरू के जो कितने, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, शुरू के 5 आपकी इजी पीजी हिट हो सकते हैं, लेकिन आखिरी वाले को हो सकता है थोड़ा होल्ड, लाइक प्रॉफिट होल्ड करना है तो होल्ड कर लो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। असल में इसकी रेजिस्टेंस है लगभग यहाँ पे ना 3450, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, ये मतलब 34.5 पे इसकी रेजिस्टेंस सेलिंग प्रेशर है, तो ये हमारा बस 5-6 पे ये अच्छा कर देगा, निकल जाएगा, लेकिन ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर हम इसको आखिरी, मतलब जो आखिरी हमारा टेक प्रॉफिट है, उसके बाद ये फुल बुलिश मोड हो जाएगा, धड़ाम धड़ाम पंपिंग लेगा, फिर ये जा वो जा मार्केट की ऐसी की तैसी। ठीक है भाई, तो ये है जनाब दूसरी आपकी ट्रेड डन हो गई है, और आप लोगों के लाइक अभी भी नहीं, और अब है, और अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं थक गया हूँ, अब आई एम गोना गो एंड एंजॉय माय वीकेंड एज वेल। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे इजाजत देता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।